क्वेश्चन नंबर 54 इवेलुएट इंट्रीगल 0 टू पाई एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो ये होगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने यूज किया है प्रॉपर्टी ये 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंट्रीगल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है ये पाई माइनस एक्स है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये होगा माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे हम माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में होगा कॉस स्क्वायर एक्स। सपोज दिस इक्वेशन इज सेकेंड और इसको लेते हैं फर्स्ट एंड नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सो वी गेट टू आई इक्वल टू 0 टू पाई होगा एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इम्प्लाइज दैट टू आई इक्वल टू इंट्रीगल 0 टू पाई और इसमें कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स तो इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है सो टू आई इक्वल टू और पाई कॉन्स्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं इसको और कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है तो हम यहाँ पे एक टू ले लेते हैं और इसका बैलेंस बाहर ले लेते हैं और टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू एक्स और अब इसका इंटीग्रेशन इजी से हो जाएगा। वन डी एक्स का होगा एक्स और कॉस टू एक्स का होगा साइन टू एक्स बाय टू और फिर हम लिमिट को पुट कर देंगे तो ये होगा टू आई इक्वल टू पाई बाय टू पाई प्लस साइन टू पाई बाय टू और जीरो पुट करेंगे तो ये होगा जीरो प्लस साइन जीरो बाय टू। इम्प्लाइज दैट टू आई इक्वल टू पाई बाय टू पाई प्लस साइन टू पाई का वैल्यू जीरो होता है तो ये जीरो हो गया और ये होल पार्ट भी जीरो सो पाई स्क्वायर बाय टू देयरफॉर आई इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय फोर आंसर।